हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक आरओ के रिएक्शन में। मैं हूँ कविता इंडिया से, और आज हम देखने जा रहे हैं, क्योंकि रमजान का महीना शुरू हो रहा है और आप सबने इतनी रिक्वेस्ट करी है, तो मेरे पास एक जो बहुत ज्यादा इस समय रिक्वेस्ट आई है रिएक्ट करने की, वो है बांग्लादेश के वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड एंशियंट बाजार चौक बाजार से, जहाँ पे इफ्तार की मार्केट लगती है। तो क्या क्या फूड्स, एंड यू नो किसी भी कंट्री में फूड इज अमेजिंग यार, और फूड इज समथिंग विच आई पर्सनली लव ऑल्सो। तो मैं ये वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाई, और जब मैंने इसका थंबनेल देखा, वाओ, मुझे तो देख के और मजा आ गया, तो मैं बिल्कुल रोक ही नहीं पाई देखने की। बट येस, आई वॉन्टेड टू नो अबाउट दिस एंशंट मार्केट, जहाँ पे इफ्तार की बहुत फेमस मार्केट है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे रिएक्शंस अच्छे लग रहे हैं, और आप सबके सपोर्ट से आई नीड एटलीस्ट 500 लाइक्स ऑन दिस वीडियोज, क्योंकि मैं आप सबके लिए इतनी मेहनत करके वीडियोज बना रही हूँ। एंड इतना पाक महीना भी चल रहा है और इतनी मेहनत करी, तो थोड़ी सी दिल खोल के और लाइक्स करिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए बस। तो आइए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो,
গুলশানে যা মারুফ গুলশানে দোকানের নাম কে গুলশান না গুলশান না গুলশান আছে না গুলশান দিলে মুরগি বাঘের বাচ্চা চিনির দাম বেশি দুধের দাম চারশো গ্রামে কি দিব আপনার ঐতিহ্য না কইছে কত করে দাদা চারশো টাকা একদম বাদামের শরবত এক লিটার কত এখন নিয়ে তার হাতে রেখে লাভ নাই ছটার মধ্যে আসেন ভাই বারো মশলা একটা আইটেম এটা কলেজের মানুষ সব আছে ভাই কাবাব কত করে কেজি চার বিয়ে
डिटेल तो नहीं सुनी कि क्या है क्या नहीं, बट जैसे थंबनेल था और जो बोला गया था कि वन ऑफ द एंशिएंट ढाका मार्केट्स यार फॉर इफ्तार, एंड हमने इतने इतनी सारी चीज़ें देखी. और मैं नॉनवेज तो जैसे मैंने बोला मैं नहीं खाती, बट दिस वाज सो फैसिनेटिंग. मतलब वो फूड देख के, वो ग्रेवी देख के, द वे दे यूज्ड टू सेल, और एंशिएंट मार्केट की अपनी खासियत होती जो टेस्ट, जो मज़ा आता है ना वहाँ पे जाने का, फिर बोलने में भी अच्छा लगता है यार. हम तो ये वहाँ से लेके आए थे तो बड़ा मज़ा आता है. तो आई थिंक ये जो चौक बाजार है दैट्स रॉली फेमस, एंड बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ट्रेडिशनल एंशिएंट वे में, कुछ ज़्यादा शो ऑफ नहीं, बट आई थिंक हर एक स्टॉल वेंडर यहाँ पे अपने आप में फेमस होगा क्योंकि वो बहुत टाइम से, बहुत पीढ़ियों से वहाँ पे यू नो फूड बेच रहे होंगे, स्टॉल्स अपने लगा रहे होंगे. बट दैट वॉज रॉली अमेजिंग ओवरऑल देख के लग रहा था. मुझे लगा कि टिपिकल इफ्तार के लिए मार्केट ये बनी हुई है. दैट्स वॉज माई कमेंट. आपको क्या कहना है देख के वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा, बिकॉज मैं वेट कर रही हूँ. क्योंकि ये फूड वाला इतना अच्छा चैलेंज था, तो आई थिंक आपको फूड अगर नहीं पसंद है ऐसा हो नहीं सकता. सो आई एम एक्सपेक्टिंग 500 प्लस लाइक्स ऑन दिस. मेरा रमज़ान अच्छा कर दीजिए और आप सबके रमज़ान भी बहुत अच्छे जाएंगे. तो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, बाय बाय.